મલાડ ઇસ્ટમાં નિર્માણ ધીન ઇમારત ધરાશાયી થવાની ઘટના બની છે, જેમાં ચારથી વધુ શ્રમિકોના ઘટના સ્થળે જ મોત થયાના અહેવાલ સામે આવી રહ્યા છે, જ્યારે અન્ય કામદારો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. આ ઉપરાંત કેટલાક શ્રમિકો અંદર ફસાયા હોવાની માહિતી સામે આવી છે. આ ઘટના ગોવિંદનગર વિસ્તારમાં બન્યા બાદ ઘટના સ્થળે પોલીસ સહિતનો કાફલો પહોંચી ચૂક્યો છે અને રાહત બચાવની કામગીરી ચાલી રહી છે. આ બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ હેઠળ બનાવવામાં આવી રહી હતી. ઘટના અંગે નગર નિગમના અધિકારીઓએ કહ્યું કે નિર્માણધીન બિલ્ડિંગના સ્લેબનો કેટલોક ભાગ તૂટી ગયો છે. ઇજાગ્રસ્ત શ્રમિકોને નજીકની MW દેસાઈ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવેલા છે. જો ઝોપડપટ્ટી પુનર્વિકાસ પ્રકલ્પ ચાલુ હૈ ઇસમે આજ સુબહ 11:30 કે આસપાસ ચાર કામગારો કી 14વે માળે સે ગિરકર મૃત્યુ હુઈ. साफ दिखाई दे रहा है कि कंस्ट्रक्शन करते समय जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो जो लेने चाहिए वो सिक्योरिटी मेजर्स पर्याप्त मात्रा में नहीं लिए थे. मैं आज यहाँ आया, DCP मैडम को मैंने बोला है कि विकासक और बाकी जो जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है उन सभी के ऊपर तुरंत FIR दर्ज करवाए. साथ में SRA के लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम के लिए मैंने स्टॉप वर्क नोटिस आज शाम तक पूरे काम को स्टॉप वर्क दिया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी से लेकर बहुत सारे इश्यूज है. तीसरा, मंडे SRA के अंदर SRA CO के साथ पुलिस प्रशासन, SRA के अधिकारी, AR और यहाँ के सभी रहवासी, ये सभी लोगों के साथ मीटिंग करने का भी हमने तय किया है और आगे की कानूनी कार्रवाई ये हम पूरी करें. जो लोग पीड़ित है उनके पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए कानून से जो मुआवजा है वो तो दिया जाएगा ही, लेकिन जो लोग मृत्युमुखी गिरे हैं उनका मूल्य पैसे में नहीं हो सकता है. और इसके लिए भारतीय न्याय दंड संहिता के अंतर्गत जो कठोर से कठोर कार्रवाई है वो कार्रवाई इस घटना के लिए जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ हम करेंगे और उस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए पुलिस को बाध्य करेंगे. ज्यादा से ज्यादा मुआवजा भी देने का काम करेंगे, लेकिन किसी का जीवन का मूल्य पैसे में तोला नहीं जा सकता है. और इसके लिए ये जो लापरवाही यहाँ जताई गई है वो जिन्होंने जताई है उनके खिलाफ कानून के अंतर्गत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे. पूरी जानकारी है, चार लोगों की मृत्यु हुई है और कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती है, ये मेरी जानकारी है.